सजग नागरिक टाइम्स च्या बातम्या मिळवण्यासाठी सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन क्लिक करा। हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया, अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाल्लाह। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो, तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से, तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से। अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। ये वक्फ की जायदाद एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते, अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। मजा कर बोरे, नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ, इसका मालिक अल्लाह है। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं सेक्शन 61 में, अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को बोले, मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी। अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिख कर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब दामन बरकातों के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते, अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। मजा कर बोरे, नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ, इसका मालिक अल्लाह है, सुबह कयामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजों को देखकर मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फैसला लिया है कि आप इस कानून के खिलाफ, आप लोग QR कोड के जरिए या अपने लेटर के जरिए या ईमेल के जरिए आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को भिजाइए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। 15 सितंबर तक आखिरी तारीख है, या तो अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में, जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानकाहों को, दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेक्युलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। तो अजीत पवार, अगर सेक्युलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो,
बोलो तुम जाकर मोदी को, यह कानून गलत है। जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, क्या तुम भूल गए कि छत्रपति शिवाजी ने रत्नागिरी में उस दरगाह को 652 एकड़ जमीन दी थी? ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो? तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो? खुदा की कसम, हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला।